बस भाई मैं तो यही दुआ करूंगा, ये जो सामने में एक लेवल क्रॉसिंग है भाई, ये ना बंद हो यार। देखते हैं भाई आज की हमारी किस्मत कैसी रहती है। अरे भाई गेट खुले हैं यार, मजा ही आ गया। अरे नहीं यार वो देखो यार मेरे सामने बंद हो रहा है। अरे भाई काश ये जो बस वाले भैया ये थोड़ा सा और पहले यहाँ पर आए होते यार, मतलब मेरे सामने ही बंद हुई है यार। अरे यार ये तो काफी बुरा हुआ यार, अब पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है, कितना टाइम लगाएगी यहाँ से निकलने में यार। भाई ये तो काफी बुरा हुआ यार, देखना पड़ेगा गाइस कौन से यहाँ पर ट्रेन आती है। वैसे तो अभी यहाँ पर मुझे जो हॉर्न साउंड है यार वो आ रहा है, ये देखो यार मतलब मेरे सामने ही बंद हुई है भाई ये लेवल क्रॉसिंग यार। ये देखो भाई ये ट्रेन आ गई यार, अच्छा हुआ जो गाइस और ज्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे लगा और ज्यादा टाइम लगाएगी ये ट्रेन, बट कोई बात नहीं यार ये जल्दी से आ गई यार। ये देखो भाई ये एक EMD लोकोमोटिव के साथ में, एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इसका क्रॉसिंग चलते हुए। ये देखो भाई ये कौन सी ट्रेन है भाई, इस पर तो अमेजोन के जो एडवर्टाइजमेंट है गाइस वो लगा के रखा गया यार। ये देखो भाई कितनी बढ़िया ट्रेन यहाँ से निकल रही है, तो देखते हैं गाइस ये कब तक निकलती है। और भाई मतलब अच्छा हुआ जो गाइस यहाँ पर कोई मालगाड़ी निकल रही है, वरना यार तुम्हें पता है भाई मालगाड़ी कितना ज्यादा लंबी होती है और टाइम लगता है उनको निकलने में। अच्छा हुआ जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है, एंड इसकी स्पीड भी गाइस ठीक ही ठाक है यार। एंड ये देखो यार ये जा चुकी है यार, काफी अच्छी बात है यार। तो देखते हैं गाइस ये जो लेवल क्रॉसिंग के गेट्स है भाई कब तक खुलते हैं, खुल जा सिम सिम। ये देखो भाई वाह भाई देखा यार तुम्हारे भाई के अंदर अलग ही जादू है यार। ये देखो यार ये खुल चुकी है यार, एंड हमारे बस वाले भैया ने भी पार कर लिया है। तो चलो गाइस अभी हम सीधा चलते हैं अपने लोकोमोटिव के पास में यार, एंड वहां पर मैं तुमसे मिलता हूँ यार। हाँ तो गाइस अभी मैं से डायरेक्ट आ चुका हूँ अपने लोकोमोटिव के पास में, एंड यहाँ पर अभी तुम देख पा रहे हो ये जो लोकोमोटिव है WDM-1 लोको है, एंड इसी को आज हमें ऑपरेट करना है। तो चलो अपने कैब व्यू में चलते हैं यार। हाँ तो ये देखो यार मैं आ चुका हूँ कैब व्यू में, एंड गाइस अभी मैं लॉबी में गया था एंड मुझे वहाँ पर साइन वगैरह कराया गया, क्योंकि हमें दिया गया है इस लोकोमोटिव को ड्राइव करने को। और अभी जो हमारे कोच है गाइस वो प्लेटफॉर्म पे लगे हैं, तो अभी हम उसको जाएंगे कपल वगैरह करेंगे। फिलहाल तो अभी जो लोकोमोटिव है गाइस ये ऑलरेडी स्टार्ट है यार, स्टार्ट करने की हमें कोई जरूरत है नहीं यार, ऑलरेडी स्टार्ट है अपना लोको। एंड अब यहाँ से हमें जाना है हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यार, वहाँ पर हमारी ट्रेन लगी हुई है। तो चलो गाइस अभी हमें सिग्नल वगैरह मिल गया, एंड चलते हैं भाई अपने लोकोमोटिव को लेकर। सबसे पहले मैं हॉर्न वगैरह मारता हूँ यार, यहाँ से निकालता हूँ अपने इस लोको को यार। तो चलो यार, तो चलिए गाइस अभी हम जल्दी से हॉर्न वगैरह बजाते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं। ओए होए होए जो इस WDM-1 ने हॉर्न बजाया है ना गाइस, मतलब मजा ही आ गया यार, दिल खुश कर दिया WDM-1 यार। वो देखा गाइस कितना बढ़िया यार साउंड आया, ऐसा लग रहा है भाई मैं पुराने जमाने वाले में आ गया हूँ यार। ये देखो गाइस पुराने जमाने में ऐसा लग रहा था मैं आ गया हूँ। एंड ये देखो यहाँ पर हावड़ा के यार्ड में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक WAP-5 लोकोमोटिव खड़ी हुई है, एंड साथ ही साथ शायद एक WAP-4 लोकोमोटिव भी लगी हुई है, देखना पड़ेगा। हाँ यार ये देखो हावड़ा साइड का WAP-4 लोकोमोटिव भी यहाँ पर रेस्ट वगैरह कर रही है। एंड ये चीज इग्नोर कर लेना कि ये जो पोल है गाइस इससे टकरा चुकी है यार, मतलब देख रहे हो यार अलग ही सीन चल रहा है भाई यहाँ पर, देख रहे हो भाई। देखो यार ऐसे सीन तो भाई तुम्हें इसी गेम में देखने को मिलेंगे, रियल वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पर ढेर सारे सेकेंड AC के कोचेस वगैरह खड़े हैं गाइस, ये देखो भाई कितने बढ़िया कोचेस लग रहे हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट भी लगा के रखा गया है। एंड ये देखो भाई लोकोमोटिव का हॉर्न गाइस मैं बीच में बजाता रहूंगा, क्या फायदा भाई कोई मेरे सामने आ गया, एंड समझ रहे हो ना गाइस क्या हो सकता है फिर। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप हॉर्न वगैरह बजाते रहेंगे। एंड चलिए अभी राइट साइड में चलते हैं, एंड यहाँ पर गाइस अब हमें रुकवाया गया है, एंड तुम देख पा रहे हो यहाँ पर सामने से एक ट्रेन जा रही है यार। अब मुझे पता चला है कि भाई जब तक ये ट्रेन पूरी तरीके से हावड़ा जंक्शन पे एंटर कर नहीं जाएगी भाई तब तक हमें रुकना पड़ेगा गाइस, तो यार ये तो काफी बुरा हुआ यार। एंड जहाँ तक मुझे लगता है सामने में इसने हमारा पाथ ब्लॉक करके रखा है। ये देखो गाइस जल्दी से मैं ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर देता हूँ यार, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये देखो भाई यहाँ पर मैंने ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर दिया है, एंड ऊपर से मैं दिखाता हूँ गाइस, वो देखो यार अभी वो हमारे वाले ट्रैक से जा रही है यार। तो अब ये जैसे ही जाएगी उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही हमें सिग्नल मिलने वाला है। ये देखो भाई आगे में कैसे वो हमारा ट्रैक्स कवर कर रही है यार, एंड थोड़ा सा हॉर्न मैं इसलिए बजा रहा हूँ भाई ताकि ये जल्दी से भागे यार, मतलब देख रहे हो गाइस खौफ थोड़ा सा यार दिखाना पड़ेगा WDM-1 लोकोमोटिव का, इसीलिए मैं हॉर्न बजा रहा हूँ यार। एंड ये देखो भाई दोबारा मैंने बजा दिया है, जल्दी जल्दी भागो यार, जल्दी भागो भाई टाइम नहीं यार मेरे पास। देखो गाइस इसको हम जल्दी से भगा रहे हैं ताकि ये जल्दी से हमारा ट्रैक क्लियर करे, एंड अब हम ली ट्रेन को जल्दी से जाके कपल करें यार। वो देखो भाई हमारे ट्रैक से कैसे गुजर रही है यार, जल्दी जाओ यार भाई। ये देखो इसका लास्ट का
एसएलआर कोच भी चला गया है। वैसे ये एलएचबी का एसएलआर कोच है यार, वो देखो गाइस वो ट्रेन जा चुकी है। तो गाइस अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड फिर देखते हैं भाई हमें क्लियरेंस वगैरह कब तक मिलता है एंड फिर हम जाएंगे प्लेटफॉर्म की ओर एंड अपनी जो ट्रेन है भाई उसे कपल करेंगे यार। वैसे अभी मैं लोकोमोटिव के अंदर में चला जाता हूँ यार, वरना क्या फायदा भाई कोई कंप्लेन कर दे यार। हाँ तो गाइस अभी हम अपनी ट्रेन को जा रहे हैं कपल करने एंड वहाँ पर सिग्नल मिलने में ना गाइस मैं क्या बताऊँ यार काफ़ी टाइम लग गया था यार, इसीलिए भाई मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की थी। एंड यहाँ पर तुम देख पा रहे हो हावड़ा के आउटर में यहाँ पर एक क्रॉसिंग होता है हमारा किसी ट्रेन के साथ में एंड जहाँ तक मुझे लगता है भाई ये ट्रेन जा रही है पटना की ओर। क्या बात है यार, क्या शानदार ट्रेन है यार, क्रॉसिंग देख लो भाई इसका, ये देखो भाई बाय बाय ट्रेन यार। अरे भाई अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर इस ट्रेन के पीछे में भाई ये ट्रेन छुपी हुई थी यार, ये देखो गाइस यहाँ पर एक लोकल ट्रेन के साथ साथ में हमारा अराइवल हो रहा है यार हावड़ा जंक्शन पर। वैसे अराइवल तो नहीं कह सकते यार, हम तो जा रहे हैं अपनी ट्रेन को कपल करने एंड वो देखो यार कैसे ब्लिंक हो रहा है भाई उसके एसएलआर में रेड कलर की लाइट यार, तो वही ट्रेन है गाइस एंड उसी को हमें कपल करना है और अभी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हॉकिंग तो फुल है भाई, भाई पता तो लगना चाहिए ना भाई WDM1 लोकोमोटिव आ रहा है यार। एंड ये देखो गाइस ये लोकल ट्रेन है भाई, ये भी हमारे साथ साथ में एंटर कर रही है, वो देखो भाई काफी क्लोज आ चुका है हमारा ट्रेन। तो चलो गाइस अब यहाँ पर अपने ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करते हैं एंड फिर मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे एंड वहां से जो नजारा है गाइस वो दिखाता हूँ। और तुम किसी को बताना मत कि ALP साहब को मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राइव करने को दे दिया है गाइस, ये मेरे और तुम्हारे बारे में बात रहनी चाहिए भाई, किसी को बताना मत। और वो देखो गाइस वो ट्रेन तो भाई सक्सेसफुली एंटर कर चुकी है एंड अब बारी आती है हमारी। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने ALP को कहा है भाई थोड़ा सा लोकोमोटिव यार तुम पीछे ले आओ, तुम भी क्या याद रखो यार, मतलब उनका काफी ज्यादा मन कर रहा था गाइस ड्राइव करने का, तो भाई उनकी ख्वाहिश मैं कैसे ना पूरी करूँ यार। वैसे यार ये जो बात है ना गाइस किसी को बताना मत यार, वरना ये सिर्फ और मेरे और तुम्हारे बीच में है यार, अगर तुम किसी को बताओगे तब काफी ज्यादा मेरे लिए बुरा हो जाएगा एंड क्या पता भाई मेरी नौकरी भी चली जाए यार। तो ये बातें मेरे और तुम्हारे बीच में और किसी ने कुछ नहीं सुना यार। एंड ये देखो गाइस यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे ALP साहब ने कपल कर दिया हमारी ट्रेन को, तो थैंक यू ALP, आप अपनी सीट पर जाके आप अपना जो काम है वो संभालिए एंड हम अपना संभालेंगे यार। तो चलो गाइस अब यहाँ पर सक्सेसफुली कपल वगैरह हो चुका है हमारा ट्रेन एंड सिग्नल अभी हमारा रेड है, तो देखते हैं भाई कब तक ग्रीन में तब्दील होता है एंड फिर हम अपनी ट्रेन को यहाँ से निकालेंगे यार। हाँ तो गाइस यहाँ पर अभी हमें तो सिग्नल नहीं मिला, बट ये जो ट्रेन तुम्हें सामने में दिखाई दे रही है ना, ये लो जी हॉर्न भी बजा दिया यार इन्होंने, मतलब नाम क्या लिया मैंने भाई, डिपार्ट भी करने के लिए रेडी हो गई यार ये। ये देखो गाइस ये जो लोकोमोटिव है इसका हॉर्न है, ये देखो गाइस लाइट मार के अब यहाँ से निकलने वाली है ये टाटा का वैब 7 लगा हुआ है, ये देखो यार इस पर सामने में लिखा हुआ है टाटा, तो ये टाटा का वैब 7 के साथ में कोई LHB एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि यहाँ से निकल रही है एंड इस पर देखो यार इंडियन रेलवे जो लिखता है ना भाई, आ हा भाई मजा ही आ जाता है भाई, क्या ही बोलूं यार, अलग ही लुक आते हैं भाई जब इंडियन रेलवे किसी भी लोकोमोटिव पे मैं देखता हूँ यार, मतलब एक प्राउड सा फील होता है गाइस, आपको आता है कि नहीं गाइस प्राउड। ये देखो वैसे जो ट्रेन है भाई ये यहाँ से निकल रही है, ये देखो गाइस वैसे अभी हमारा डिपार्चर का जो वक्त है गाइस वो नहीं हुआ है एंड ये जो ट्रेन है भाई इसका हो चुका है, तो इसीलिए हमसे पहले भाई इसको निकाला जा रहा है। अब क्या पता भाई आगे में जाके ये ट्रेन मुझे ट्रॉल करे यार, मतलब ये हमारे आगे आगे चलेगी एंड इसके पीछे पीछे में हमें भाई तुम समझ रहे हो ना गाइस, अगर इसको क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो इसके पीछे में हमें भी रोका जाएगा यार, तब तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है आगे चल के, वो हमें पता लग जाएगा अभी आगे का सीन क्या होता है। वैसे ये लुक देखो भाई क्या ही खतरनाक लुक है गाइस, वाह भाई मजा ही आ गया गाइस, देख रहे हो भाई जो ट्रेन कर्व ले रहे ना भाई, ओए होए होए क्या ही मजा आ गया गाइस, देखो यार कितना बढ़िया सीन दिखा रहा हूं गाइस, इसके लिए तो लाइक बनता है कि नहीं यार। एंड ये देखो भाई ये ट्रेन हमें सक्सेसफुली कह सकते हो हमसे पहले डिपार्ट कर चुकी है यार, तो ठीक है भाई अब तुम जल्दी से हमारे ट्रैक को क्लियर कर दो एंड फिर देखते हैं भाई हमें कब तक सिग्नल वगैरह मिलता है। और यहाँ पर देखो गाइस ये ट्रेन जा रही है यार, वो देखो भाई जो कर्व लिया है ना उसने, मतलब मजा ही आ गया भाई, ऐसे सीन देखने को मिल ही जाते हैं यार कभी कभी। वैसे गाइस अभी मैं लोकोमोटिव के अंदर में आ चुका हूँ एंड सिग्नल तो यार अभी तक रेड है, देखते हैं कब तक ये येलो या फिर ग्रीन होता है और हम फिर डिपार्ट करते हैं। ओ भाई वाह भाई देखा गाइस रेड से कैसे येलो हुआ यार, अब वो लगता है ट्रेन थोड़ी दूरी पे चली गई है एंड चलो गाइस अब जल्दी से हॉर्न वगैरह बजाते हैं।
ओए होए होए, जो इस WDM वर्ल्ड का हॉर्न साउंड है ना गाइस, मतलब मजा ही आ गया गाइस। आपको आ रहा है कि नहीं यार? तो चलो गाइस, अब हम यहाँ से सक्सेसफुली अपनी ट्रेन को निकालते हैं। एंड ये देखो भाई, एक्सेलरेशन चालू कर दिया है मैंने, एंड अब हमारी ट्रेन सक्सेसफुली यहाँ से निकल रही है। फाइनली यार हम डिपार्ट कर चुके हैं, एंड सिग्नल देखो भाई अभी भी येलो हुआ है। होपफुली अभी आगे चल के जल्दी से ग्रीन हो जाएगा सिग्नल। वैसे जब हम इसे क्रॉस करेंगे तब तो रेड हो जाएगा, मैं इससे आगे वाले सिग्नल की बात कर रहा हूँ भाई। वो ग्रीन होना चाहिए यार, अगर वो रेड हुआ तब तो मुझे भाई क्या फायदा हावड़ा क्या उधर में रुकना पड़ेगा यार। देखते हैं गाइस क्या सीन होता है। एंड यहाँ से हम देखो भाई सक्सेसफुली निकल रहे हैं हावड़ा जंक्शन से। एंड भाई जो मजा आ रहा है ना गाइस, मतलब कैब राइड करने में यार, मतलब ठीक है यार। दी लर्निंग वेज के जब सोचो गाइस, मॉडर्न लोकोमोटिव में सब में क्या व्यू आएगा तब क्या ही फील आएगी यार। मतलब इस गेम को कौन से लेवल पे लेकर जाएंगे भाई, मतलब क्या ही बताऊं यार। वो सब बातें हम बाद में करेंगे। वो देखो भाई, अरे यार तुम्हें दिखाई दे रहा होगा जो सामने में ट्रेन लगी है भाई, वो भी चलने लग पड़ी है यार हमारे साथ साथ में। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पर एक लोकल ट्रेन का एक और बार अराइवल तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ हावड़ा जंक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस मतलब इस साइड में लोकल ट्रेन का बहुत ही ज्यादा रश रहता है। तो यहाँ पर एक और लोकल ट्रेन का तुम देख लो यार। और यहाँ पर मैंने अपने जो थ्रॉटल पावर है उसे थोड़ा सा और इंक्रीज किया है, क्योंकि यहाँ का जो स्पीड लिमिट है वो 50 KMPH का है, तो वहाँ तक तो अभी हम पहुँचे नहीं है। एंड वो देखो गाइस, वो जो ट्रेन है भाई अभी अभी हमारे साथ साथ में चल रही थी, एंड लगभग तुम कह सकते हो भाई अभी हमारा और उस ट्रेन का साथ साथ में हावड़ा जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है। और वो देखो पीछे में कार दिखी यार, कितनी बढ़िया सीन है गाइस। ये देखो भाई इसके AC के कोचेस देखो यार, ओ भाई क्या खतरनाक लुक है यार, वाह भाई। हाँ तो गाइस हम बात कर रहे थे दी लर्निंग वेज के सारे मॉडल्स में कैब व्यू की, तो यार उम्मीद करेंगे गाइस हम, उम्मीद तो यार काफ़ी करके रखा है, क्योंकि भाई अगर सब में कुछ सब में इंटीरियर व्यू वगैरह आ गया ना गाइस, तो यार इस गेम को जो लेवल मिलने वाला है ना गाइस, मतलब मज़ा ही आ जाएगा गाइस। मैं तो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, होपफुली आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर ये देखो गाइस, यहाँ पर मैं कैब व्यू में आ चुका हूँ WDM1 लोगों के, क्योंकि भाई अब ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए गाइस बाहर। आप लोग जानते हो ना गाइस, जो लोग ज़्यादा उड़ते हैं मतलब उनके पर काट दिए जाते हैं, तो भाई मैं भी ज़्यादा देर तक उड़ नहीं रहा हूँ भाई। एंड ये देखो यार, यहाँ पर अभी जो थोड़ा सा विंडो है गाइस इस लोकोमोटिव में, उसके मदद से जो कैमरा है गाइस वो मैंने बाहर निकाल लिया है। एंड यहाँ से जो व्यू है वो मैं तुम्हें दिखा पा रहा हूँ यार। वो देखो गाइस, यहाँ पर सामने में गाइस हमें सिग्नल पे भी नज़र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम सिर्फ नज़ारे ही इंजॉय करते रहेंगे गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें आगे का जो सिग्नल है गाइस उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो येलो या फिर रेड ना रहे। वैसे अभी तो हमें पूरा ग्रीन सिग्नल दे के रखा है, तो भाई बनता है लाइक कि नहीं गाइस, मतलब एकदम लोको पायलट की बखूबी हम ड्यूटी निभा रहे हैं। एंड ये क्या भाई, अब ये लोकोमोटिव यार मुझे ट्रॉल कर रही है यार। ये देखो गाइस, अब ये जो WAF5 लोकोमोटिव है ये हमसे आगे नहीं जा रही है यार। अरे यार ये देखो गाइस, भारतीय रेल इस पे लिखा हुआ है भाई। यहाँ पर भारतीय रेल और इंडियन रेलवेज लिखता है ना भाई, मतलब प्राउड फील होता है गाइस। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, एक अलग ही अंदर से वाइब आती है, गुड वाइब, जब भी मैं देखता हूँ भाई किसी भी लोकोमोटिव पे भारतीय रेल या फिर इंडियन रेलवेज लिखा रहता है यार। मतलब मन करता है ना गाइस मैं खड़े होकर भाई देखता ही रहूं भाई, खैर वो हम नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर ये देखो गाइस, ये जो कोचेस है कितने शानदार लग रहे हैं। वैसे यहाँ पर आप लोग जो राइट साइड का नज़ारा है वो भी इंजॉय कर लो। यहाँ पर थोड़ा सा हावड़ा का जो रेल साइडिंग है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ कोचेस वगैरह यार्ड में खड़े हैं। एंड ये देखो गाइस, अब ये WAF5 लोकोमोटिव को दोबारा से हमारा जो लोकोमोटिव है वो ओवरटेक कर रही है भाई। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, कभी वो ट्रेन हमें ओवरटेक करे कभी हम उसके आगे जा रहे हैं, मतलब करना क्या चाहते हो भाई, दोनों मिलके एक साथ बातें करके भाई डिसाइड ही कर लो यार। खैर मैं तो तैयार हूँ, अब WAF5 लोकोमोटिव के जो लोको पायलट हैं गाइस वो मेरे से बातचीत करने के लिए तैयार है कि नहीं गाइस, क्या लगता है? खैर वो सब बातें मजाक की हम साइड में रखते हैं, अभी तो ये ट्रेन हमें ओवरटेक करके जा रही लगता है आगे की ओर। एंड जो लोकोमोटिव का मैं लगातार हॉर्न बजा रहा हूँ ना गाइस, मतलब मजा ही आया भाई। भाई मैं लोको पायलट हूँ यार, तो हॉर्न तो मतलब रहेगा ना गाइस। वो देखो भाई, वो ट्रेन को देखो यार हमारे साथ साथ में चल रही है यार, वाह भाई। ये जो सेकेंड AC के कोचेस है ना गाइस, मतलब ये मुझे सबसे प्यारे लगते हैं भाई इस ट्रेन में यार। और ये देखो भाई कैब व्यू से क्या ही नजर आ रहा है सामने का, मजा आ रहा है कि नहीं यार? वो देखो एकदम रियलिस्टिक फीलिंग आ रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हम लोकोमोटिव के अंदर से ट्रेन को ड्राइव कर रहे हैं यार। आप सोचो जब सारे लोकोमोटिव में ऐसी फीलिंग आएगी
तब क्या ही मजा आने वाला, मतलब इस गेम को भाई एक अलग ही इंडियन लुक आएगा भाई। देखते हैं भाई, एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी हैं, अब वो कब तक पूरे होते हैं गाइस पता नहीं यार। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार, ये जो ट्रेन है गाइस, अब ये दोबारा से लगता है भाई स्लो वगैरह हो गई है, एंड इसका ट्रैक चेंज हो रहा है। हाँ यार, तभी स्लो गई। ये देखो गाइस, ये जो हमारे साइड में ट्रेन चल रही है साथ साथ में, इसका ट्रैक चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पर लगता है हम किसी स्टेशन को भी स्किप करने वाले हैं। एंड ये जो वैफ फाइव का हॉर्न साउंड है, अब मुझे आया है भाई, मतलब तब से कहाँ थे भाई वैफ फाइव यार, तुम्हारा हॉर्न साउंड मुझे सुनने को नहीं मिला यार। एंड अब इन्होंने फाइनली हॉर्न बजा दिया है। ये देखो भाई, इसके साथ साथ में अब लगता है भाई हम इसे ओवरटेक कर लेंगे गाइस। हाँ यार, मुझे लग रहा है भाई अब हम इसे ओवरटेक कर लेंगे। एंड इसका भी पूरा ग्रीन सिग्नल है। ये देखो यार, इसका हॉर्न साउंड तुम्हें सुनाई दे रहा होगा। वाह भाई, क्या ही ओवरटेक है गाइस, मजा ही आ गया। एंड ये क्या भाई, इसके साइड का ट्रैक्शन सिग्नल हमारा ग्रीन है, तो होपफुली लगता है सामने से जल्द कोई ट्रेन आती होगी। देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन आएगी सामने से। वैसे तो गाइस, अब हम इस वैफ फाइव लोकोमोटिव को सक्सेसफुली ओवरटेक कर चुके हैं, जो ट्रेन थी। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, हम एक लोको पायलट की ड्यूटी निभा रहे हैं, तो जो सामने का अपकमिंग सिग्नल होता है गाइस, उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या फ़ायदा भाई वो रेड सिग्नल हो एंड मैं भाई अपने लोकोमोटिव को लेकर निकल जाऊँ, एंड फिर भाई पता है ना क्या होगा गाइस, मतलब ड्यूटी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, ड्यूटी बोल रहा हूँ बस नौकरी से। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पर सामने में फिर से ग्रीन सिग्नल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, एकदम फुल स्पीड में हम यहाँ से निकले हैं। वो देखो भाई, अभी भी साइड के ट्रैक का सिग्नल ग्रीन है, तो कौन सी ट्रेन आ रही है भाई जिसका पूरा ग्रीन सिग्नल होके रखा है, देखना पड़ेगा यार। हाँ तो गाइस, अब इतने अच्छे रन के बाद ना, अब मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, मतलब इतनी अच्छी खासी रफ्तार में मेरी ट्रेन दौड़ रही थी, बिल्कुल मन नहीं था भाई मेरा स्पीड स्लो करने का, बट क्या कर सकते हैं भाई, सिग्नल के आगे रुकना ही पड़ता है यार। तो अभी तुमसे सामने में दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो सिग्नल है भाई वो रेड हो चुका है, एंड हमारे साइड में जो ट्रैक का सिग्नल है भाई उस वैफ फाइव का, वो हो चुका है भाई ग्रीन। एंड ये देखो यार, अब उसका ग्रीन सिग्नल है भाई, तब तो वो हमें ओवरटेक करके जाएगी यार। ये देखो यार, अब ये फाइनली हमें ओवरटेक करके जा रही है, एंड जहाँ तक मुझे लगता है अब हम दोनों का जो रेस था गाइस वो यहीं तक था। एंड अब ये जो ट्रेन है गाइस, ये आगे निकल चुकी है हमसे। ये देखो भाई, ओवरटेक करके जा रही है यार, मतलब ट्रॉल कर दिया गाइस इसने मुझे। खैर छोड़ो यार, अपना जब रेड सिग्नल तो हम क्या ही कर सकते हैं यार। वैसे ये रेड सिग्नल क्यों है ना गाइस, अभी तुम्हें जाके पता लग जाएगा, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा यार। वैसे अभी देखते हैं कब तक येलो या फिर ग्रीन होता है। ए भाई हो जाए यार, कितना वेट करवाएगा भाई। ओ भाई थैंक यू यार सिग्नल जी, मतलब ठीक है यार, मेरी बात कितना मानते हो यार आप लोग, कभी कभी मुझे शक होता है यार, मतलब मैं ही तो नहीं ना भाई इस रेलवे का मिनिस्टर इस गेम का यार, पता नहीं गाइस। खैर छोड़ो यार, वो सब बातें बाद में करेंगे। एंड अभी हमें सिग्नल मिल चुका है, एंड हम यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई, थ्रॉटल पावर को मैंने इंक्रीज कर दिया है, एंड अब ये एक डबल येलो सिग्नल हो चुका है भाई, पता नहीं क्या सीन होता है इसका। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पर अब हमारा हो रहा है ट्रैक चेंज, तो अब तुम्हें पता लग गया होगा कि हमें सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा था गाइस, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर एक नहीं गाइस दो दो बार ट्रैक चेंज होने वाला है भाई। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता, भाई ट्रेन का लोको पायलट हूँ यार, मतलब इतना चीज़ तो यार मतलब बता के रखी जाएगी ना पहले से मुझे यार, तो इसीलिए मुझे पता है भाई, और बाकी आप लोग शक मत करो यार। तो गाइस यहाँ पर अभी हमारा हो रहा है ट्रैक चेंज, एंड यहाँ पर एक नहीं गाइस दो दो बार हमारा ट्रैक चेंज होगा। एंड वो देखो भाई, साइड के ट्रैक का सिग्नल हो चुका है ग्रीन, तो कोई ट्रेन आ रहा है क्या यार, देखना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, इस बार तो आ भी गया यार, ये देखो एक ईएमडी लोकोमोटिव के साथ में, तो एक ईएमडी लोकोमोटिव के साथ में यहाँ पर एक आईसीएफ ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा होता है। एंड बहुत देर बाद मुझे क्रॉसिंग देखने को मिली, एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई मुझे। ये देखो गाइस, यहाँ पर क्रॉसिंग चल रहा है इसका, एक आईसीएफ उत्कृष्ट ट्रेन का। एंड यहाँ से गाइस एक और बार हमारा ट्रैक चेंज होता है, तो गाइस मैंने कहा था ना भाई हमारा एक नहीं कि दो दो बार ट्रैक चेंज होगा, तो हाजिर है भाई ट्रैक चेंज का नज़ारा तुम्हारे सामने। एंड यहाँ पर दोबारा से कैब व्यू में मैं तुम्हें लेकर आ चुका हूँ, एंड जो तुम्हें सामने का नजारा दिखने वाला है ना भाई, मतलब मजा ही आ जाएगा गाइस आप लोगों को यार। उम्मीद करता हूँ भाई आज की इस वीडियो में हमने ज्यादा गलती वगैरह नहीं की होगी, जो लोको पायलट की ड्यूटी है उसको हमने बखूबी निभाया होगा भाई। हॉर्न भी गाइस, मतलब हॉर्न बजाना भी नहीं भूला हूँ यार, मुझे पता है तुम्हें भी साथ साथ जो इस पर अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं गाइस वो दिखाने पड़ते हैं मुझे, बट भाई जो भी कहो यार, मैंने दो दो चीज़ मुझे करनी पड़ी, एक तो तुम्हें अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने पड़े, एंड एक तो भाई लोको पायलट का जो पूरा रोल होता है वो निभाना पड़ा है यार। तो भाई
दो दो चीज का लोड था मेरे पर, फिर भी मैंने भाई बिल्कुल भी मैं पैनिक नहीं हुआ एंड मैंने एकदम अच्छे से निभाई है भाई। तो ये देखो गाइस यहाँ पर एक चीजन को लगता है हम स्किप करने वाले हैं एंड यहाँ पर अभी तो मैं पता है भाई हमारा स्पीड क्यों स्लो होकर रखा है, क्योंकि यहाँ पर दो दो बार ट्रैक चेंज करवाया गया अपना, तो स्पीड तो स्लो होगा ही यार। एंड ये देखो गाइस यहाँ पर कोई, ये देखो यार यहाँ पर एक और आदमी कोई चल रहा है, ये देखो कितने ढेर सारे पैसेंजर्स वगैरह तो नहीं है, एक ही दो लोग मुझे यहाँ पर दिखे हैं। होपफुली काफी छोटा सा स्टेशन हो इसलिए यहाँ पर जो भीड़ है पैसेंजर का इतना ज्यादा ना हो यार। वैसे यहाँ पर एक लोकल ट्रेन भी रुकी हुई है, ये देखो भाई यहाँ पर एक लोकल ट्रेन भी रुकी हुई है, होपफुली इसको भी क्लियरेंस वगैरह ना दिया हो गया हो। ये देखो गाइस सक्सेसफुली हमने इस स्टेशन को स्किप कर लिया है एंड अब लगता है सामने में कौन सा स्टेशन आएगा देखते हैं गाइस। एंड वो देखो भाई जो कर पाए ना गाइस पीछे मजा ही आ गया भाई। एंड चले गाइस अभी हम थोड़ा सा कैब व्यू में आ जाते हैं क्योंकि इधर उधर तो बहुत रैली है यार, अब थोड़ा सा कैब के अंदर में चलेंगे एंड साइड में ट्रैक का सिग्नल हो चुका है येलो, तो देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन हमें क्रॉस करने के लिए आने वाली है। एंड ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल नजारा है गाइस, इसके लिए तो लाइक बनता है कि नहीं यार आप लोग बताओ यार। हाँ तो गाइस अब उतना पार्ट मैंने कट कर दिया यार क्योंकि वहां से मतलब इतना अच्छा नजारा मुझे देखने को नहीं मिला एंड यहाँ पर अब हमें डायरेक्ट रुकवाया जाता है दानखुनी जंक्शन पर। वैसे मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर मेरा कोई हॉल्ट वगैरह नहीं है बट अब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई राजधानी एक्सप्रेस आने वाली है एंड हमें यहाँ पर ओवरटेक करने वाली है, तो उसको हमारे आगे निकालने वाले हैं यहाँ पर, तो देखना पड़ेगा गाइस वो राजधानी कब तक आती है। एंड सामने में रेड सिग्नल तो मैं दिखाई दे रहा होगा एंड जो अपोजिट साइड वाले ट्रैक है उसका सिग्नल हो गया ये ग्रीन, तो अब तो तुम्हें पता लग गया होगा भाई हमारा यहाँ पर ओवरटेक होने वाला है। खैर वो सब बातें बाद में करेंगे, यहाँ पर देखो भाई ये शक्ति लोकोमोटिव WDG-3A लोकोमोटिव यहाँ पर, ओ भाई ट्विन लोकोमोटिव है यार, देखो यार ट्विन लोको के साथ में यहाँ पर एक मालगाड़ी रुकी है, ये देखो भाई खड़गपुर का है ये लोको सेट, ये देखो भाई शक्ति खड़गपुर के दोनों लोकोमोटिव हैं ये। तो गाइस यहाँ पर वो ट्रेन आ चुकी है एंड इतनी स्पीड में ना आई मतलब क्या बताऊँ यार, मैं तो थोड़ा सा उसका दिखा भी नहीं पाया इसलिए मैंने गेम को थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉज कर लिया है। एंड ये रहा हमारा ट्रेन जो कि अभी पूरी तरीके से रुक चुकी है एंड ये रही जो हमें ट्रेन ओवरटेक कर रही है। अभी तुम क्या सोच रहे हो, रुकी है रुकी नहीं है भाई, ये पॉज किया है मैंने इस गेम को, जैसे ही रिज्यूम करूंगा ना गाइस जो ये भागने वाली ओए होए होए, ये देखो ओए होए होए क्या बात है यार, ये देखो भाई कितनी अच्छी खासी स्पीड में इसने हमें ओवरटेक किया राजधानी एक्सप्रेस ने, ओए होए होए वाह भाई क्या ही बोलूंगा इस, मतलब ठीक है यार एकदम डिसमिस मार के गई है भाई हमारे WDM वाले लोकोमोटिव को यार। एंड वो देखो भाई सिग्नल इतनी जल्दी येलो भी हो गया, कितनी तेजी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कितनी तेज रफ्तार से उसने हमें ओवरटेक किया है। तो देखा गाइस मतलब आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी जिसमें कि हमने एक लोको पायलट का रोल निभाया, उम्मीद करता हूं तुम्हें पसंद आई होगी एंड पसंद आई होगी तो भाई एक लाइक जरूर से ठोक के देना भाई, इतनी क्या कंजूसी यार लाइक कर दो यार, इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता हूं मैं तुम्हारे लिए, तो होपफुली गाइस तुमने लाइक कर दिया होगा। एंड यहां पर थोड़ा सा जो स्लो मोशन है गाइस वो देख लो इस लोकोमोटिव का, काफी प्यारा लोकोमोटिव है यार। तो गाइस अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लेना, वहां पर मैं काफी ज्यादा अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं, तो जरूर से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी मैं तुमसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जुड़ने के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक फॉर द वॉचिंग एंड मिलते हैं भाई बहुत जल्द यार, तब तक तुम लाइक हो यार और सब्सक्राइब करो यार, देखते हैं भाई आगे कौन सी जर्नी करते हैं।